भारत में कोरोना वायरस के केस कल पहली बार थोड़े कम रहे थे। इस बीच महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कोविड 19 के केस कम नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 56,46,011 तक पहुंच गए हैं। अच्छी बात ये है कि 45,87,614 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,68,377 एक्टिव केसेस हैं। इस जानलेवा बीमारी ने अब तक 90,020 लोगों की जान ले ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के देश में 83,347 नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,085 लोगों की मौत हुई है। देश में 21वें दिन लगातार 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसेस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.58% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस यानी जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 17% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 81% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र लगातार कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाला राज्य बना हुआ है। यहां अब तक 12 लाख मामले और 33,000 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है।